যতন খোলঙ্খা। আজ ये स्पीच देने से पहले मैं आप सबको एक दुखी का खबर देना चाहता हूं। हमारे एमडीसी उमा शंकर देवबर्मा के पिताजी का आज देहांत हो गया, और अगर हम लोग एक परिवार हैं, एक हमको एक दूसरे को हम एक दूसरे तिप्रसा को प्यार करते हैं, तो आप लोग सब प्लीज़ खड़े होकर 30 सेकेंड्स के लिए उमा शंकर देवबर्मा के पिताजी के लिए श्रद्धांजलि के लिए 30 सेकेंड्स के लिए प्लीज़ कीप साइलेंस। थैंक यू। आज यहां मैं बुबागरा भाषण देने नहीं आया है, यहाँ में मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपके संग डिस्कशन करने आया हूँ। और सबसे पहले मैं अपने प्रेसिडेंट प्रेसिडियम विजय कुमार रांगखोल, यहाँ में हमारे सीनियर लीडर्स हैं, एलओपी हैं, एमएलएज हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, एमडीसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, YTF प्रेसिडेंट, TWF प्रेसिडेंट, TISF, TCF, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दो दिन का ये प्लेनरी सेशन था, और मैं यहाँ मैं ओपन राउंड भी करना चाहता था। सौरजीत मोग ने कल मुझे फ़ोन किया कि ओपन राउंड करो, ओपन डिस्कशन करो। मैंने आपके लिए एक घंटा अलग से रखा था ओपन डिस्कशन के लिए कि कोई भी बात कर सके। आई एम सॉरी, क्योंकि स्पीकर्स ने इतना लंबा वक्तव्य दिया है कि आपको चांस नहीं मिला। मैं माफ़ी मांगता हूं आपसे, लेकिन यही प्लेनरी सेशन मैं हर जोनल में करना चाहता हूं अगले एक महीने के अंदर, और उस जोनल में ख्वाई हो, नॉर्थ त्रिपुरा हो, साउथ हो, गोमती हो, सिपाहीजाला हो, ढलाई हो, उन्नकोटी हो, वहां में दो दिन का प्लेनरी सेशन होना चाहिए। और उस डिस्ट्रिक्ट के हर लीडर्स को आना चाहिए, बुबागरा भी रहेगा वहाँ में, और जैसा यहाँ में हुआ है, शाम को बैठो, खाना खाओ, बात करो, एक रात रुको, नेक्स्ट डे प्लेनरी करके वापस जाओ। और ये जो आईडी कार्ड्स मिला है, जो आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो बैग्स दिया जाएगा, बैज दिया जाएगा, वो करना चाहिए, और मैं ये एक महीने के अंदर करना चाहता हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल लीडर्स, बड़ा या छोटा, आप लोग इसके बारे बात कीजिए। और एक चीज़ होना चाहिए कि प्लेनरी ख़त्म होने के बाद सबको एक संग खाना भी खाना चाहिए, सबको एक संग बैठना चाहिए। थानसा सिर्फ भाषण से नहीं होता है, थानसा को आपको समझना पड़ेगा। मैं यहां में एक स्पीच लिख के आया था, लेकिन मुझे लगता है कि भाषण से कुछ नहीं होगा। पहले
आपको पार्टी का सिस्टम समझा दें. इज द प्रेजेंटेशन देयर? आज पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और पार्टी को लाइक व्हाट डॉली राइटली सेड, पिरामिड इफेक्ट, नीचे से मैं ऊपर करना चाहता हूं, ऊपर से नीचे नहीं करना चाहता हूं. तो ये है हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर, आपको कागज में भी दिखाया जाएगा. लेकिन रंजीत आपने ठीक कहा, 120 मेंबर नहीं चाहिए. हमने ये स्ट्रक्चर देखा है, आपने देखने से पहले गोली मार दिया रंजीत, हमने तो ये बना के रखा है. इसमें ना वर्किंग प्रेसिडेंट है ना 120 मेंबर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है. ब्लॉक में वन प्रेसिडेंट, वन वाइस प्रेसिडेंट, वन जनरल सेक्रेटरी, वन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, और हर गांव से, हर वीसी से एक मेंबर होना पड़ेगा. डिस्ट्रिक्ट में भी वन प्रेसिडेंट, वन वाइस प्रेसिडेंट, वन जनरल सेक्रेटरी, वन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, और टू मेंबर्स फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट. हमने ब्लॉक को बढ़ा दिया है, अब ब्लॉक 58 होगा, क्योंकि हमको वीसी इलेक्शन और एडीसी इलेक्शन के बारे भी तैयारी करना है. मैंने पहले क्या देखा था कि राइटफुली जो लोग राजबाड़ी में आते हैं, महाराजा का संग सेल्फी लेते हैं, राजबाड़ी के सामने वीडियो बनाते हैं, उनको कहीं में कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा था. मैं आपको एक बात बोलूं, वो इम्पोर्टेंस मैंने नहीं दिया, आपने दिया. मैं आज तक नहीं जानता हूं पठान कहां से आया, मेरा रिश्तेदार है डेविड मुरा सिंह को उठाया मैंने, मेरा परिवार का है. विश्वजीत कोलोई का संग कोई रिश्ता है, पूर्णचंद्र मेरा भाई गना है, भवर रंजन को मैं 2019 से पहले जानता था, डॉली को मैंने 2021 में मिला, सौदागर कोलोई को मैं डेविड मुरा सिंह के संग मिला, उनको लाया यहां में. जेम्स है दिल्ली में मिला, कोई निगोशिएशन तो नहीं किया हमने. गणेश को मैं पहचानते ही नहीं था, सोहेल को मैं 2019 में शुक्ला के संग पहले बार आया तब मैं मिला. यहां में नंदिता मैं जानती नहीं था, लेकिन मैंने क्या सोचा, राजेश त्रिपुरा, संजय मानिक, रंजीत, इनको मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि एक कमिटमेंट है दोफा के लिए फाइट करने के लिए. हाँ, सीनियर लीडर्स हैं, विजय बाबू हम हमेशा जानते थे, मेवार को मैं बचपन से जानता था, राजेश्वर को पहले से जानता था, विजय बाबू को कौन नहीं जानता, अनिमेश को कौन नहीं जानता. लेकिन मैंने सबको, मुझे लगा कि ये लोग गरीब फैमिली से है, इनका ना पिताजी एमएलए था, ना इनका कोई परिवार में कोई बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, ये आपका जैसा एक गरीब टिपरासा है, इनको चांस मिलना चाहिए. अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती किया तो मैं माफ मांगता हूं. हर रीजनल पार्टी, एनसीपी हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, अपना परिवार को आगे करता है, अपना फैमिली को आगे करता है.
आज कांग्रेस में भी फैमिली है, बीजेपी में भी फैमिली है। मेरा मौसी चीफ मिनिस्टर था राजस्थान का, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया है। शिवराज चौहान का बेटा पॉलिटिक्स में है, कांग्रेस में पॉलिटिक्स में परिवार है। लेकिन जब मैंने तीपरा मोथा स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि मेरा फैमिली को मैं आगे नहीं रखूंगा, मेरा फैमिली तीपरा सा है, तीपरा सा को प्रमोट करूंगा। गलती हुआ है, और सबसे बड़ा गलती क्या है, कि आज भी तीपरा सा अपना बारे पहला सोचता है, उसके बाद कम्युनिटी के बारे सोचता है। Nobody thinks about the community, they think about themselves. पहले अपने बारे, उसके बाद अपने गांव के बारे, उसके बाद अपना सरनेम के बारे। मैं देव वर्मा, मैं जमातिया, मैं कोलोई, मैं रियांग, मैं त्रिपुरा, मैं चकमा, मैं मोग। उसके बाद जब डंडा खाता है ना आप लोग, तब आप तीपरासा के बारे सोचता है। माय एजुकेशन वाज इन शिलोंग। शिलोंग में जब कोई बुकुंगबारा मुझसे मिलने आता था, मैं पूछता नहीं था, आई आप देवर्मा है, आप रियांग है, आप चमत्या है। मुझे लगता था सब हमारा है। अब त्रिपुरा में आके मालूम पड़ा कि प्रॉब्लम हम लोगों का थिंकिंग में है, सोच में है। कुछ गलत बोल रहा हूं? ग्रेटर तीपरा लैंड क्या है? ये ग्रेटर तीपरा लैंड में आपका भविष्य सिक्योर होगा, इसके लिए मैंने फाइट किया। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, सिटिंग प्रेसिडेंट, बड़ा पोस्ट है, इट्स नॉट अ स्मॉल पोस्ट विजय बाबू, नेशनल पार्टी का सिटिंग स्टेट प्रेसिडेंट, सिक्किम इंचार्ज, सेक्रेटरी, ऑल इंडिया कांग्रेस, एनआरसी और सीए के मुद्दे में मैंने रिजाइन करके मैंने आपके संग अपना ईमानदारी दिखाया। लेकिन मैं क्या देखता हूं, आज मुझे एमडीसी का टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, आज मैं ईएम नहीं बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, आज मैं मंत्री नहीं बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, आज अगर हमको पार्टी में ये पोस्ट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। मुझसे गलती हो गया, और यही प्रॉब्लम आईपीएफटी में भी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मोथा का नहीं है, ये प्रॉब्लम तीपरासा का है। दूसरा प्रॉब्लम निकला है, पहले मैं प्रॉब्लम बोलता हूं, मैं पार्टी का निंदा नहीं करता, आई लव माय पीपल, आई लव माय कम्युनिटी, आई लव माय तीपरा मोथा। पहले 2021 में कौन निकला? एमडीसीज, ईएम्स। दो साल बाद असेंबली इलेक्शन हुआ, एमएलएज आया, 13 एमएलएज। अब मैं क्या देखता हूं, एमडीसी और ईएम, बुबागरा मुझे इनवाइट नहीं किया, बुबागरा वो ज्यादा वो कर रहा है, बुबागरा ये कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है जानता है? आपका घर में बच्चा है, किसी के पास दो बच्चा होगा, पहला बच्चा पैदा होता है, 5-6 साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है। जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप दूसरे बच्चे को भी देखता है, पहला बच्चा को लगता है अरे
पहले तो हमको सब अटेंशन दे रहा था, अब किसी और को अटेंशन मिल रहा है। पहले एमडीसी ईएम को फीता काटने के लिए बुलाया जाता था, अब एमएलए को भी बुलाया जा रहा है, हम तो निग्लेक्ट हो गया। उनको ये बात नहीं समझ में आता है कि माँ बाप के लिए पहला बच्चा भी एक ही है, दूसरा बच्चा भी एक ही है। मुझे बोला जाता है, आप बताइए बुबागरा, आप किसको ज्यादा प्यार करता है, वो खराब है वो खराब है। अपने बारे अच्छा बोलो, दूसरे के बारे खराब मत बोलो। विजय बाबू, हेट्रेड, एंगर, ये जो गुस्सा, नफरत, क्रोध, कुछ मिलेगा? क्रोध दिखाना है, फ्रस्ट्रेशन दिखाना है, तो तिपरासा को क्यों टारगेट करता है? जाके उनको टारगेट करो जिसने आपको नीचे रखा। थानसा उसको बोलता है। उस दिन शुक्ला ने जो भी बोला, मैं आपको विनती करता हूं, आप मार के किसी को अपने पास नहीं ला सकते, प्यार से ला सकते हो। आईपीएफटी को भी तीपरा मोथा से प्यार समझना पड़ेगा, लेकिन पहले हमको एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा, तभी तो कोई आएगा। बहुत लोग आईपीएफटी से आया है, धनंजय आया है, मेवार आया है, गीता आया है, प्रकाश आया है, बहुत लोग आया है, ऋषिकेतु आया है। आप पहले सोचिए, हमने उनको प्यार दिया, हमने उनको इज्जत दिया, फायदी फायदी फायदी, बुबागरा बोला रहा फायदी, जब आता है तो हम लोग प्यार देता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते तो बाहर को क्यों प्यार करेंगे? टिपरा मोथा, अनिमेश यू स्पोक, गौरी बाबू कल बहुत अच्छा बात किया, रंजीत आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना पॉइंट रखा। आई रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, होना चाहिए कि नहीं? फ्रीडम ऑफ लव भी होना चाहिए। तो थोड़ा आपने जो बोला इमोशन में बोला, इसके बाद गला भी मिल लो, एक दूसरे को गोली मारने से कुछ नहीं होता। देखो ये है ना, मोदी जी बोलते रहता वासुदेव कुटुंब भव, गला मिलो। आप बुबागरा को देखो, यहां में आपने फेसबुक के बारे में बात किया, अच्छा बात है, बहुत लोग हे लेमन आप तो हमको कॉपी करता है, काला कुर्ता अपन काला चश्मा, नो प्रॉब्लम, ठीक है अभी भी कॉपी कर सकता है। लेकिन जो बुबागरा बात बोलता है उसको रोल मॉडल बनाओ, जो प्यार के बारे बात करता है, जो अपना तिपरासा को दिल से प्यार करता है, उसको भी कॉपी करो। सिर्फ वो आईफोन लेके, ईयरपॉड्स लेके, काला चश्मा, स्कॉर्पियो लेके, ठीक है आपका उम्र है, लेकिन बुबागरा का जो सिद्धांत है उसको भी कॉपी करो। पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट, पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या मैं बोर कर रहा हूं आपको? कुछ गलत बोल रहा हूं तो आपको अगर भूख लगा तो आप चले जाइए, मैं अकेला बोलते रहूंगा, फेसबुक लाइव जा रहा है, फेसबुक भी इतना खराब नहीं है, 1980 में फेसबुक नहीं था, चौबा था। अब अगर कम्युनिकेट करना है सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, त्रिपुरा से बाहर भी, तो सोशल मीडिया का हमको इसका रखना पड़ेगा, समय के संग बदलना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बोर, आप लोग बोर हो रहा है, आप लोग थक गया है, भूख लगा है,
तो आप लोग चले जाइए। लेकिन अगर बैठ के सुनना है तो एक बात समझिए, हमारा क्या चैलेंज, व्हाट इज द चैलेंजेस ऑफ द प्रमोथ। नंबर वन चैलेंज कि हम लोग करप्शन को कैसा रोकें। आज हमारा फाइट करप्शन के अगेंस्ट भी है, और अगर करप्शन को रोकना है तो सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्टर राज, ये सिंडिकेट राज, ये लोग जो तिपरासा एरिया में तिपरासा कॉन्ट्रैक्टर कच्चा जमीन बनाता है, जो लोग ऑफिसर को बिगाड़ता है, जो एमडीसी को आके पैसा देता है, वैसा लोगों को भी समझना चाहिए। हम लोग का तिपरासा लोग कि आप धंधा कर रहा है, आप कॉपी कर रहा है अगरतला का लोगों को, तिपरासा का प्रॉब्लम और बड़ा है। करप्शन को अगर रोकना है तो सिर्फ एमडीसी, ईएम, सीएम, एमएलए से नहीं रुकेगा, लोकल लीडर को भी करप्शन को रोकना पड़ेगा। आप लोग खुद कॉन्ट्रैक्टर बन गया है बहुत जगह में, ताली कम मिलेगा हमको, सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना, चाहिए ना पैसा, मैं लेके आऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। लेकिन वो पैसा हमारा कम्युनिटी का है, वो पैसा हमारा बच्चा का है। आज हमारे सोसाइटी में करप्शन जैसा घुसा है, नॉट ओनली नेता, स्कूल में करप्शन है, ऑफिसर लेवल में करप्शन है, मंदिर में करप्शन है, चर्च में करप्शन है, करप्शन सब जगह फैल रहा है। और अगर आपको अपना कम्युनिटी से प्यार है तो सबसे पहले आपको लालच को छोड़ना पड़ेगा, लालच ही आपको दबाएगा। करप्शन स्टेट में भी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनिमेश ने बोला, मुझे लीडर मत बोलिए, ऑपोजिशन लीडर कैन आई कॉल यू, ऑपोजिशन एमएलए। एडीसी में सिर्फ 2% बजट आया, 2.7%, 35% 15 लाख लोग तिपरासा जो एडीसी में रहते हैं उनको सिर्फ 2% पैसा मिलेगा, और 65% जो तिपरासा नहीं है, जो एडीसी से बाहर है, कुछ कुछ तिपरासा भी है, उनको 98% मिलेगा। ये सबका साथ सबका विकास है, ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है कि नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ तिपरा मोथा के संग नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन हर वो बुकुंग बारा, हर वो तिपरा सा जिसने बीजेपी को भी वोट किया, जिसने सीपीएम को वोट किया, जिसने वोट नहीं किया, उनके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि ये 2% नहीं देखता है कौन है तिपरा मोथा, कौन है सीपीएम, कौन है कांग्रेस, कौन है बीजेपी, वो लोग देखता है कि तिपरासा एडीसी एरिया में सिर्फ 2.7% रुपया दिया गया। क्यों? इलेक्शन के पहले तो घोषणा पत्र में सब चीज बोला गया, आज आई एम प्राउड ऑफ माई एमएलएस, मुझे गर्व है अपने एमएलए से कि उन्होंने असेंबली में हलचल किया है। दिल्ली से फोन आया, अरे आपने तो त्रिपुरा में वो कर दिया जो यूपी में
समाजवादी पार्टी नहीं कर सकता है, वो कर दिया जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं कर सकता है, वो कर दिया जो महाराष्ट्र में शिवसेना नहीं कर सकता है, त्रिपुरा में हमारा 13 एमएलए ने। हमारा 13 एमएलए ने उनको दिखाया कि तिप्रासा का थंसा रहेगा तो हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं। यह पहले बार है कि 13 एमएलए मिला, पहले भी तो 20 एमएलए था, 19 सीपीएम का, एक विजय रंखोल। जब महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का नाम को बदल के उस समय कुछ और नाम दिया जा रहा था, 19 का 19 एमएलए चुप बैठा, चुप बैठा। ये हम लोग का बुरा सीनियर उग्रपंथी खराब आदमी, उस टाइम आई डिडंट इवन नो यू विजय बाबू, वी डिडंट नो इच अदर, ये आदमी उठ के बोला आई ओपोज। उसको बोलता है फाइटिंग का स्पिरिट, एक दूसरा से फाइट करने से क्या मिलेगा। जो डेविड मोरा सिंह ने कल बोला, महाराज हमको मूवमेंट चाहिए, हमको भी मूवमेंट चाहिए, लेकिन मूवमेंट से पहले थानसा चाहिए। ये प्लेनरी सेशन क्यों किया? दिल का बात रखने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्लेनरी सेशन अगले एक महीने के अंदर सब जगह में करना क्यों है? थानसा के लिए। बंदूक में गोली नहीं है, अभी प्लेनरी सेशन हर जोन में करो, गुबागरा आएगा, बंदूक को भारी करो, तब मूवमेंट शुरू होगा। ये मीडिया आज रंजीत ने फायरी स्पीच दिया तो सब बोलेगा रंजीत ने पार्टी का खिलाफ बोला। रंजीत ने तो मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कुछ बोला रंजीत आपने बुबागरा के खिलाफ? आप प्यार करता है कि नहीं हमको? डू यू लव मी यू नॉट? खड़ा होके बोलो ना। अरे अनंत बाबू, अनंत बाबू, आप तो मेरे लिए मोमो लाता है, आप मुझे प्यार करता है कि नहीं? अगर आप गणेश कहाँ है मायूंग, आप प्यार करता है कि नहीं? गला मिलो, प्यार से बात करो। और आपको एक बात मैं बोल रहा हूं, प्यार से 5 लाख रुपया मैं दूंगा, खुमुलुंग में नया जगह में जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस को शुरू करो। 5 लाख मैं आज कमिटमेंट दे रहा हूं, हाँ कि नहीं? किसी का डोनेशन नहीं चाहिए गणेश, और आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो, 5 लाख मेरे तरफ से आज ही ले जाओ, जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस बनाओ, हम लोग बनाएगा। और जोनल लेवल को बुबागराज बोल रहा है, क्लियरली बोल रहा है, 7 जोन और है, खुमुलुंग को छोड़ के 7 जोन और है। हर जोनल लेवल में बुबागरा 5 लाख रुपया आपको देगा, आप लोग पार्टी ऑफिस जमीन खरीद के तिप्रा मोथा के नाम में, तिप्रा मोथा के नाम में जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस बनाओ। ये पार्टी किसी का भीख से नहीं चाहिए हमको, राजा का पार्टी है, जमीन में लेकर खरीद के हम लोग बनाएंगे। सबसे बड़ा गलती आंचलिक पार्टी का यह था कि हमने हमेशा डोनेशन में काम किया। सबसे बड़ा गलती आंचलिक पार्टी का क्या था? एनसी दे वर्मा 8 एमएलए लेके भी मेवार युवदे पार्टी ऑफिस नहीं बना सका। आज इस मंच से बुबागरा आपको बोल रहा है, 8 जोनल में 5, 8 जोनल में 8 ऑफिस होगा,
5 लाख रुपया 40 लाख रुपया बुबागरा पार्टी को डोनेट कर रहा है। ठीक बोला ना एंथनी? वहां में नंदू है, वहां में अबू खैर है, ये पार्टी को मैं रंजीत बाबू आप वहां में हैं, ये पार्टी को मैं सबसे पहचानता हूं। रंजीत बाबू यहां में बुरी बदल है, थानसा को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, आप लोग मानता है कि नहीं? कभी रेगा के नाम में, कभी नौकरी के नाम में, ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े देर के बाद दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े देर बाद दे दो, सब लोग बैठ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में दे दो, सबको मिलेगा। थानसा को तोड़ने का प्रयत्न हो रहा है, हां कि नहीं? यस नहीं, पीछे वाला बोलो यस, आगे तो यस बोले ही गए। कैसे? कभी भाषा में कब्रोक काउब्रू हालाम, मैं भवरंजन गौरी बाबू डॉली नंदिता, यहां में जो भी हमारा ब्रू है, मैं आपको एक प्रपोजल देना चाहता हूं। एक संग बैठ के बात करो, हम लोगों का भाषा है तिप्रासा, काउत तिप्रासा कौक तिप्रासा, भाषा है तिप्रासा। ब्रू लैंग्वेज कितना मीठा है, इट्स सच ए स्वीट लैंग्वेज। जमातिया लैंग्वेज हमको तो बहुत अच्छा लगता है। अरे पूर्णो पठान संजय कलोई तो अब कॉकब्रोक ही बोलता है, काउब्रू बोलता है, कॉकब्रोक बोलता है, इतना अच्छा लैंग्वेज है। रूपिनी त्रिपुरा हमारा राजेश नहीं है, चुबलाई बुथु वीरेंद्र बाबू बोलते रहता है, हंगशो है वहां में, देवजीत है, हम लोग का भाषा ऑलमोस्ट 90% सेम है। अब नाम क्या रखना है वो हम लोग बैठ के डिसाइड कर ले, लेकिन ये बात को डिसाइड करने वाला कोई कमिटी नहीं होगा जिसका लीडर वानसा है। ये तिप्रासा का प्रॉब्लम है, तिप्रासा बैठ के बात करेगा, बाहर में जाके अपना गंदा कपड़ा को धोने से पूरा गांव भी देखता है कि घर का गंदगी बाहर गया। ठीक बोला? लेकिन हम हर भाषा को, हर डायलेक्ट को, भाषा और डायलेक्ट में फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। बांग्ला में भी आमी ए जगते आसबो, ए जगते आमी आइतम ना, तुमी बसे जाओ, तुमी एखाने बौ, आमी सिलेट दिए आइसे तो फैन फैफर लिया फुकुरे फाथर फलाई दिसे, तो क्या आप अलग अलग भाषा करेगा? ए अमर दायित्व नहीं, ए तो हुई भी ना, अलग अलग, बांग्ला बांग्ला है, भाषा बंगाली है, बदल सकता है, कुमिल्ला में कोई अलग बोलता है, ब्राह्मणबाड़ी में कोई अलग बोलता है, पश्चिम बंगाल में घोटी बोलता है, सिलेट में सिलेटिया बोलता है, फुसका बोलता है, हिंदी में भी वही है। अरे हम तो बिहार से आए हैं, लल्लू बोलता है, भोजपुरी है, बिहारी, भाषा तो एक ही है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि
कि भाषा का क्या होना चाहिए ये हम लोग डिसाइड करेगा, बाहर का कोई भी आदमी डिसाइड किया तो थानसा को तोड़ने का चक्कर में है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। गौरीशंकर रियांग ने कल एक बात बोला, थानसा को तोड़ने का चक्कर है मणिपुर। ओ माय तिपरासा पीपल, मणिपुर इज अ एक्सपेरिमेंट, त्रिपुरा तिपरासा आइडेंटिटी विल बी अ रियलिटी। अगर मणिपुर में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो त्रिपुरा में भी होगा। बी केयरफुल, समझ के रखो, ये लोग अलग अलग तरीका से हम लोगों का थानसा को तोड़ने का कोशिश करेगा, अलग अलग तरीके से। थानसा को नहीं टूटने दो, थानसा को नहीं टूटने दो। थानसा टूटा तो बहुत मुश्किल होगा। हमारे चकमास को, जिनको मैं खुद अपना मानता हूं, डिमांड हुआ है रीजनल काउंसिल का, डिमांड कीजिए, अरुणाचल में भी डिमांड कीजिए। अरुणाचल में डिमांड कर पाओगे? नहीं। मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कोई पावर ही नहीं। जब आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, एडीसी में 15 लाख लोगों का कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, 1 लाख लोग रीजनल काउंसिल मांग के आपको क्या मिलेगा? आपको डिमांड करना है तो लैंग्वेज डिमांड करो, आपको डिमांड करना है तो और एमएलए सीट्स डिमांड करो। अगर डिमांड तिपरासा को करना है तो जमीन का अधिकार के बारे डिमांड करो। अगर डिमांड करना है तो स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में रख के डिमांड करो। अगर डिमांड करना है तो डिमांड करो हॉस्पिटल, डिमांड करो अच्छा रास्ता, डिमांड करो 2% से कुछ नहीं मिलेगा, हमको 50% डिमांड करना चाहिए, यह जगह हमारा है। अलग अलग करके डिमांड किया तो ना मैतेई को कुछ मिलेगा, ना कुकी को कुछ मिलेगा, ना जमत्या को कुछ मिलेगा, ना चकमा को कुछ मिलेगा, ना त्रिपुरा को कुछ मिलेगा, ना मुरा सिंह, तोताराम, कलोय, रूपिनी, काइपेंग को कुछ मिलेगा। अगर डिमांड करना है पुर्नो, ईएम्स, बोंगचेर भाषा सिर्फ 40 लोग बाकी है त्रिपुरा में, कार्बोंग को भी प्रोटेक्शन के लिए हमको कुछ करना चाहिए, एक लैंग्वेज काउंसिल बनना चाहिए, लेकिन जो भी हो अंदर होना चाहिए, बाहर में नहीं। ये अगर हमने किया तो नेक्स्ट जेनरेशन बच के रहेगा। बहुत लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आज आसाम में डिलिमिटेशन हुआ, हुआ कि नहीं, क्यों हुआ? हेमंत बिस्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री ने अपना माइंड मेकअप किया कि असमिया को आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसके लिए डिलिमिटेशन किया। आज अगर हम लोग का डिमांड है ग्रेटर तिपरा लैंड, क्योंकि तिपरासा को अपना अधिकार चाहिए, तो हम भी वही कर रहा है जो डिलिमिटेशन के साथ आज हेमंत बिस्व शर्मा आसाम में कर रहा है। कोई तो उसको अपोज नहीं कर रहा, क्यों? जब तिपरासा कुछ डिमांड करे तो खराब है, कोई और करे वेरी गुड आइडिया, तिपरासा करे वेरी बैड आइडिया। आप लोग सोचो क्या है ये।
सब लोग बोलता है। उस दिन मुझे बहुत दुख लगा, मुझे लगा कि मैं छोड़ ही दूं पॉलिटिक्स। उस टाइम किसी ने बोला, बुबाकरा आप तो सिर्फ देव वर्मा को प्यार करते हैं। मैं महाजब वीर विक्रम का नाती, आई वॉज बॉर्न अ तिपरासा, आई विल लिव एज अ तिपरासा एंड आई विल डाई एज अ तिपरासा। भवरंजन, फिलिप, ब्रूनो यहां में नहीं है, साउ गुंगा नहीं है, फिलिप आपे तो बीजेपी में चला गया, डॉली यू नो कितना काम किया हमने ब्रू अकॉर्ड के लिए। जब हम लोग का ब्रू लोग कंचनपुर में फायरिंग रेंज के लिए हटा रहा था, मैं गया कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पार्टी ने मेरा अपोज किया, तभी भी मैं गया क्योंकि फायरिंग रेंज में ब्रू लोगों को हटा जा रहा था। नकुल जॉय, जब ब्रू अकॉर्ड साइन हुआ, ना मिजोरम का गवर्नमेंट, ना कांग्रेस, ना सीपीएम, ना बीजेपी, मैं बार आप भी गया था कंचनपुर, चले जाओ आर राशन पावा जाबे ना, हमारा ब्रू लोगों का राशन को रोक दिया, हंगर स्ट्राइक था, एक चार महीने पांच महीने का बच्चा मर गया। मैं सब एनजीओ को लेके वी वेंट टू कंचनपुर, उसके बाद मैं अमित शाह से मिला, सर आप तो देश के होम मिनिस्टर हैं, हमारे ब्रू लोग त्रिपुरा के, डुम्बुर हुआ तो हटाया गया, दांगा होता है तो ब्रू को हटाया जाता है, हमारे लोग हैं, आप बांग्लादेश से लोगों को त्रिपुरा में रखते हैं, हमारा ब्रू को आप हिंदुस्तान के लोगों को आप रेफ्यूजी बोल रहे हैं, ये तो रेफ्यूजी नहीं है, प्लीज कुछ कीजिए। मेरे सामने फोन उठा के उन्होंने चीफ मिनिस्टर को फोन किया, बोला ब्रू को रखना चाहिए त्रिपुरा में। दो महीने के अंदर 16th of January 2020 ब्रू को जगह दिया गया। कितना अटैक हुआ मेरे ऊपर, नागरिक सुरक्षा मंच, मुकुटहीन राजा गला काट देगा, कितना गाली सुनना पड़ा, किसके लिए? हमारा ब्रू को आज त्रिपुरा में जो पैकेज मिला है, कितना मिला? 724 करोड़। मुझे एक रुपया मिला, मुझे एक रुपया मिला, मुझे नीर महल मिला, मुझे संपत्ति मिला, रंग मिला, 724 करोड़ मिला हमारा ब्रू लोगों को, एक रुपया नहीं लिया। आज मीडिया में सुनाई पड़ता है 300 करोड़ रुपया खाया महाराजा ने, इसके लिए छोड़ना चाहता हूं राजनीति। आज अगर अंडरस्टैंडिंग करना होता तो चीफ मिनिस्टर अनिमेश बनेगा, मिनिस्टर विश्वजीत बनेगा, या अपना ऋषिकेतु बनेगा, या पठान बनेगा, या फिलिप बनेगा, चित्तू बाबू बनेगा, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा, एडीसी में डायरेक्ट फंडिंग आएगा, सबको पैसा मिलेगा, इंग्लिश एजुकेशन मिलेगा, ये सब आपको मिल रहा है, मुझे क्या चाहिए? मैं क्या मिनिस्टर बनना चाह रहा हूं? मैं क्या एमपी नहीं बन सकता था? मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है मुझे, अग्रीमेंट में नीर महल,
नुयुंगमा का म्यूजियम मिलेगा, काहे मुरा, काहे मुरा, कुछ मिल रहा है हमको? हमको सिर्फ गाली मिल रहा है, हमको सिर्फ थू मिल रहा है, हमारे ऊपर रोज बांग्ला न्यूज़पेपर में रोज मेरे खिलाफ गाली, पैसा खाया, चोर, बेच दिया, क्या मिल रहा है मुझे? मैंने विजय रांखोल को बोला, अनिमेश को बोला, मुरा आपको भी बोला, मुझे सिर्फ अच्छा नाम चाहिए कि वीर विक्रम का नाती ने अपना कम्युनिटी को कुछ दिया, तो मेरे मरने के बाद एक अच्छा सा मेरे नाम में जहां भी मैं मरूंगा एक समाधि बना देना, और आप लोग हमको इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, मेरे लिए वही काफी है। लेकिन मैंने एक चीज सीखा, आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करते। पार्टी बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, बनाऊंगा भी, लेकिन एक प्रॉब्लम होगा, महाराज को सब प्यार करता है, राधा बाला भी करता है, सिंधु कन्या भी करता है, विश्वजीत भी करता है, राजेश्वर भी करता है, पूर्णो भी करता है, रथिंद्र भी करता है, फिलिप और भवरंजन भी करता है, सौदागर कॉलोय भी करता है, पाथानलाल भी करता है। प्रॉब्लम है आप लोग एक दूसरा को प्यार नहीं करता, ठीक कॉक्सा का कुबोई कॉक? तो मैं क्या करूं? ये क्रोध, नफरत, हेट्रेड को बदलो। मैं पूरा जिंदगी आपके साथ नहीं रहूंगा। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूं, मेरा भी परिवार है, मेरा भी मां है, उम्र हो गया है, मेरा भी एक परिवार होना चाहिए। आप लोग बोलते बुबागरा आप नहीं रहेगा तो हम लोग का क्या होगा? अरे आप लोग अपने आप को उठाइए ना, मेरा काम है आपको प्लेटफॉर्म देना, मेरा काम है आपको एक चांस देना, लेकिन चांस आपको नहीं दे रहा हूं मैं, चांस अनिमेश को नहीं दे रहा हूं मैं, चांस तिपरा सा को उठाने के लिए कर रहा हूं। और एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, और अंडरस्टैंड करो, शुक्लाचरण नवात्या ने आपको डिनाई नहीं किया है, विकास देव वर्मा ने आपको डिनाई नहीं किया है, प्रमोद रियांग ने आपको डिनाई नहीं किया है, संतना चाकमा ने आपको डिनाई नहीं किया है। आपको डिनाई किया गया है तो उनका मालिक ने आपको डिनाई किया है, और इन लोगों को बोला है कि ये बात बोलो। असली दुश्मन कौन है? कौन आपको खेल रहा है? उसको आइडेंटिफाई कीजिए। हां, वी लॉस्ट कृष्णपुर, दुख लगा महेंद्र, कहां है महेंद्र? लेकिन सबसे दुख कब लगा? जब जैसा ही आपका रिजल्ट आया, किसी ने हमको फोन किया और बोला, अरे महेंद्र तो हार गया महाराज, हम बोला था ठीक कैंडिडेट नहीं है। पूर्णो, जब आप हारा ना बागमा,
दुख मत करो, यह आपका सबक है। आप हारा लेकिन आपको मालूम पड़ गया कि तिपरासा में थानसा परमानेंट नहीं है, हमेशा काम करना पड़ता है। एंड आई लव यू हरेंद्र। आया कि नहीं आया? आज नहीं आया, आज सेकेंड टाइम हारा है। गौरी बाबू ने बोला, मनिंदर यांग ने बोला, इंटेलेक्चुअल ने वोट नहीं किया। क्यों? गौरी बाबू ने बोला कि नौकरी चाहिए था, सुविधा चाहिए था, इसके लिए बहुत लोगों ने वोट नहीं किया। छा मनु हंसो कहां? नो प्रॉब्लम हंसो। होली कहां? नो प्रॉब्लम। आप दोनों को एक छुरी दे देता हूं, एक दूसरे को मार दो, जो जिंदा रहेगा उसको मैं मारूंगा। आप दोनों, एक कहानी सुना है हंसो होली, दो बच्चा था, एक बच्चा था, दो औरत था, बोला ये मेरा बच्चा है, और एक औरत ने बोला ये मेरा बच्चा है। तो एक आदमी ने कहा कि जो बच्चा को तान सकता है वही मां है। तो दोनों औरत ने मां बच्चा को ताना। जब बच्चा रोने लगा तो एक औरत ने अपना बच्चा को छोड़ दिया और दूसरा मां ने ले लिया। तो बोला नहीं, ये मां नहीं है, असली मां ये है, क्योंकि मां अपना बच्चा को रोते हुए देख नहीं सकता है। हम आप लोग दोनों को रोते हुए नहीं देख सकते, हम आप लोगों को रोते हुए नहीं देख सकते। आई वॉन्ट टू लीव, मुझे छोड़ना है। मैंने हमेशा कहा ना एमपी, ना मुख्यमंत्री, ना पोस्ट, ना पद, मैं छोड़ना चाहता हूं। छोड़ू क्यों नहीं छोड़ू? दिल्ली में गया अमित शाह से मिलने के लिए, वी ऑल वेंट, विजय बाबू, जगदीश बाबू उस दे ऑल्सो। आज जगदीश बाबू नहीं आए, उनका तबीयत खराब है, उन्होंने मैसेज भी भेजा हमको चिट्ठी में, आई विश हिम अर्ली रिकवरी। मैं दिल्ली गया, कैप्टन साहब कहाँ हैं? प्लेन में बैठा हूं, मुझे मैसेज आता है, आप तो तिपरा लैंड को बेच देगा दिल्ली में इस बार। राजा अपना जमीन को बेचता है? कितना खराब लगा होगा हमको। आज पूरा इंडिया में एक पार्टी है जो ना एनडीए के साथ है, ना यूपीए के साथ है, अकेला अपना जाति के लिए फाइट कर रहा है, न्यूट्रल बनके, वो तिपरा मोथा है। ना हम उनके साथ, ना इनके साथ, जो तिपरा लैंड के साथ, हम उनके साथ। और क्या मिला? थानसा तोड़ने का चक्कर में हमारे एमडीसी को पैसा दिया गया, एमएलए को पैसा ऑफर किया गया, लेकिन आई नो कोई भी नहीं गया, नो बडी लेफ्ट। लेकिन जिसको जाने मन है उसको रोक तो नहीं सकता हूं ना, लेकिन अगर यही चलेगा तो आपको तिपरा लैंड नहीं मिलेगा। तिपरा लैंड चाहिए कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर में लाना चाहिए कि नहीं? डेविड मुरा सिंह बोला रोड ब्लॉकेट करो, ओपन माइक में बोलना चाहता तो गवर्नमेंट रेडी हो जाएगा। वो कलकत्ता कभी गया है आप? कलकत्ता में जब रोड में एक्सीडेंट होता है ना अनिमेश,
तो दो लोग जब कलकत्ता में लड़ता है, हे मारे देवो, मरवो मरवो मरवो, कोई नहीं मारता, हे अमी मरवो अमी मरवो, कोई नहीं मारता। अगर करना है ये, और आपको एडमिट करना पड़ेगा बुबाकरा का पास, ये तो है, ये तो है, ये भी है, और इसका लालच नहीं है। अगला एक महीने के अंदर पार्टी को स्ट्रांग करो। पिरामिड सिस्टम नीचे से ऊपर लाएगा, पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहां में, एक भी ऑब्जर्वर को मैं नहीं भेजूंगा। ये ऑब्जर्वर का सिस्टम सबसे थर्ड क्लास है, क्योंकि ऑब्जर्वर ही ग्रुपिज्म करता है। आप लोग अपने एरिया में खुद पार्टी बनाइए, ठीक बोल रहा? नो ऑब्जर्वर, आप लोग लोकल लेवल में अपना ब्लॉक कमेटी बनाइए, वहां में रंजीत आप हो, सोहेल हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाहर से कोई नहीं जाना चाहिए। मैं वो अलाउ भी नहीं करूंगा, ये अंदर का बात है, अंदर में रहेगा। ये रिपोर्ट जो पार्टी का स्ट्रक्चर बनेगा, आप लोगों को अपना ब्लॉक कमेटी सब जोनल वाइज, हमको 15 अगस्त तक देना पड़ेगा। कहीं में डिस्प्यूट है, नो प्रॉब्लम, डिस्प्यूट को मैं ठीक करूंगा, और मेरा वर्ड फाइनल वर्ड होगा, और किसी का वर्ड फाइनल नहीं होगा। उसके बाद हर सब जोनल से एक सेंट्रल कमिटी मेंबर आएगा। जो एमएलएस एमडीसीज है वो पहले से सेंट्रल कमिटी मेंबर है, क्योंकि उन लोग का इलेक्टेड है। उसके बाद भी 20 नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट ला सकता है। विजय रांगकोल इज द प्रेसिडेंट, वो लेके आएगा। और उसके बाद कौन प्रेसिडेंट, कौन वाइस प्रेसिडेंट, कौन जनरल सेक्रेटरी, कौन ट्रेजरर, कौन सेक्रेटरी, कौन इंचार्ज सेंट्रल कमिटी में बनेगा, और वो पहले ब्लॉक लेवल, पहले प्राइमरी लेवल, ब्लॉक लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद सेंट्रल लेवल। लेकिन ये सब चीज सितंबर तक खत्म होना चाहिए। हर सेंट्रल कमिटी मेंबर्स, हर डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर्स, हर ब्लॉक कमिटी मेंबर्स को आईडी कार्ड दिया जाएगा। पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव को अगर करना है तो आप लोग कीजिए, वो भी जब आपका जोनल होगा। आज अगर ग्रेटर तीपरा लैंड हमको करना है तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ द बीजेपी गवर्नमेंट इन त्रिपुरा। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। कोई बोलता है कि रेगा मिलेगा, जाओ रेगा करो, मैं देख रहा हूं ज्वाइनिंग हो रहा है, लेकिन मेरे एमडीसीज एमएलएस कोई नहीं जाएगा, एमडीज एमडीसीज, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अगर जाना है तो अभी चला जाओ। और पूर्णो, भवरंजन, डॉली, अगर टाइम आए ना, कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने जाके दिल्ली गवर्नर को अपना इस्तीफा दिया और फिर से डायरेक्ट इलेक्शन कराया, अगर हिम्मत हम लोग के पास है, अगर टाइम आएगा तो आप लोग सब 16 का 16 हांगशो चलो मेरे साथ गवर्नर हाउस में, रेजिग्नेशन फेंको और बोलो इलेक्शन करो,
वीसी इलेक्शन भी, बोला साउथ में नहीं जीतेगा। देवजीत बोल रहा था, मुरा बोल रहा था, हरेंद्र भी बोल रहा था, बहुत लोग बोला कि कमजोर है। साउथ में भी अनकॉन्टेस्ट करके इतना स्ट्रांग होना पार्टी को कि ये लोग आए घर के अंदर तो समझिए कि तिपरा मौथा के घर के अंदर आया। ये फाइट सिर्फ ये दूसरा इलेक्शन जैसा नहीं है। फाइट करने के लिए हिम्मत होना पड़ता, फाइट करने के लिए जिगर होना पड़ता। मैं नहीं डरता हूं। रंजीत आपने बोला किसी से डरता नहीं, क्रिया। मैं भी नहीं डरता हूं। मैं सिर्फ अपना मां का और ऊपर लॉर्ड भगवान ईश्वर के से मैं बात सुनता हूं और किसी का बात नहीं सुनता। मेरा दिल बोलता है कि तिपरा सा को जस्टिस मिलना चाहिए। टाइम इज कम। और यहां में जो माइनॉरिटीज है मत भूलो। मैंने उस दिन सुना रामपदो का स्टेटमेंट, जो भी क्रिश्चियन है उनको एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। बहुत बड़ा हिंदू है ना रामपद। त्रिपुरा में सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं। सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं। मां मंगलचंडी, बाबा गरिया, हजागिरी, केर पूजा, त्रिपुरा सुंदरी, सब का पूजा मैं करता हूं। मैं धर्म के नाम में तिपरासा को डिवाइड मत करो, वरना भगवान बन के त्रिशूल से तुमको ही मार दूंगा। के नाम में, भाषा के नाम में, स्क्रिप्ट के नाम में, धर्म के नाम में तिपरासा को अगर डिवाइड किया तो शिव का तांडव भी करके मैं भस्म कर दूंगा। वी आर तिपरासा, वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीवन। We love everyone. मस्जिद हो मैं दुआ करता हूं, मंदिर में पूजा करता हूं, बुद्ध मंदिर में विपासना करता हूं, चर्च में प्रे करता हूं, लेकिन कभी भी किसी के खिलाफ नहीं, किसी के नुकसान के लिए नहीं, अपने भले के लिए, जाति के भले के लिए, कम्युनिटी के लिए भले के लिए। I urge all of you, पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है। नया कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन नहीं है, अब से चेयरमैन का पोस्ट नहीं है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, विजय रांखोल मेरा प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा रिलीफ दीजिए। कमिटी बनाइए, कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कोई जनरल सेक्रेटरी बनेगा, कोई ट्रेजरर बनेगा, कोई इंचार्ज बनेगा। बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है, अमित शाह से बात करने के लिए है, हेमंत विश्व शर्मा से बात करने के लिए है, नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए है, राहुल गांधी से बात करने के लिए है। मेरा काम गंगानगर में क्या हुआ, ओमपी में क्या हुआ, उसके लिए नहीं है। ये आपका प्रॉब्लम है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, मुझे उससे मुक्ति दीजिए।
मैं पार्टी में हूं लेकिन मेरा काम नहीं है, अति आई टेल यू, मेरा काम नहीं है कि मैं अमित शाह के संग मीटिंग में बैठा हूं और मुझे फोन आता है आमार ब्लॉक प्रेसिडेंट ना दिले आमी पार्टी छेड़े देवो, मुक्ति करो हमको, मुक्ति करो। मैं पिपरासा के लिए फाइट कर रहा हूं, पिपरा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। यू ऑल आर ऑल, कल जो मुरा ने बोला, पैदा तो पिपरासा बन के हुआ ना, बाद में सीपीएम कांग्रेस मोथा बीजेपी हुआ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे पिपरासा के लिए काम करना है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ना एक रुपया मिल रहा है, ना एक पोस्ट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, ना संपत्ति मिल रहा है। मैं सिर्फ महाराजा वीर विक्रम, मेरे पिताजी किरीट विक्रम, मेरा माँ महारानी विभू देवी, उनको बोलना चाहता हूँ कि मैंने आपका नाम, अपना परिवार का नाम को ऊपर रखा, क्योंकि कम्युनिटी के लिए कुछ किया। अगर मैंने आपसे टाइम लिया तो मैं आपको एक लास्ट में चीज बोलना चाहता हूं विमेन को। ओ मेरा बुरी बदल, यू नो, आपसे एक चीज सीखा, इलेक्शन के टाइम एक भी बुरी लीडर हमको छोड़ के नहीं गया। ये लोग बहुत कम लोग, यू नो, नॉट अ सिंगल वुमन लेफ्ट मी। आप मेरा माँ है, किसी ने बोला था उस दिन कि जिष्णु करता बोला कि ये तो रोता है, अपना कम्युनिटी के लिए रोता हूँ। अभी भी आपसे मिलता हूँ, आपको हिंदुस्तान में एक भी राजा नहीं मिलेगा जो गरीब परिवार के संग ऐसा गला मिलके मिलता है। सब लोग भेदभाव, मैं दिल से मिलता हूँ, सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं, हमेशा। वो उनका थिंकिंग अलग है, लेकिन जिष्णुकर्ता को भी मैं बोलना चाहता हूँ, काका आई लव यू, पॉलिटिक्स को छोड़िए, आई लव यू। और टाइम मिलने में आपको भी मालूम पड़ेगा कि मैं सच में आपको आदर भी करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। आपका बेटा प्रतीक को भी प्यार करता हूँ, मेरा अंदर कोई नफरत नहीं है, सिर्फ टाइम का बात है। राजनीति में थोड़ा सा पोजीशन स्ट्रांग करना पड़ता है, लेकिन पर्सनली मैं बहुत प्यार करता हूँ। आज यहाँ में बोला, फ़ोन में भी फ़ोन करके बोलूँगा, प्यार करता हूँ। विमेन को 2 MLA बनाया, डॉली ने बोला सिंगल MDC। एक टाइम आएगा जब 50% MLAs विमेन भी होगा, 50% MDCs विमेन भी होगा, लेकिन रियल टाइम कब आएगा जानता है? जब इस देश का मुख्यमंत्री, इस राज्य का मुख्यमंत्री एक बुरी होगा, वो भी बुकुंगवारा बुरी होगा, तब मजा आएगा। यूथ को रोनेल थैंक यू, बहुत गाली सुनता है आप मुझसे, डांटता हूँ, प्यारा है, लेकिन आपने अपना समय मुझे दिया, आई अप्रिशिएट दैट। यूथ को, TISF को, YTF को मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ में सब है, सामने बैठे हैं, यू आर वॉरियर्स, यू आर फाइटर्स, सेल्फी भी लिया नो प्रॉब्लम, फाइटर्स, दिल से प्यार किया। आप लोग अभी भी, आपका अंदर करप्शन नहीं है, आपके अंदर अभी भी एक आइडियोलॉजी है। रंजीत आपने पूछा आपका आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी थानसा है, मूवमेंट का आइडियोलॉजी थानसा ही होता है। जब हिंदुस्तान का भी फ्रीडम मूवमेंट हुआ था तो बीजेपी का, RSS के लोग, कांग्रेस के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, गुंडा, डकैत, ब्राह्मण, दलित, राजपूत,
सब एक होकर अंग्रेजी का खिलाफ लड़ा आज़ादी के लिए। आज़ादी का मूवमेंट में आइडियोलॉजी नहीं होता है, थानसा होता है, एकता होता है। आप लोग थानसा रखो, आपको चांस मिलेगा। उस दिन मैंने टीएसएफ का पोस्ट पढ़ा, इट फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत दुख लगा। विश्वजीत आप तो टीएसएफ से हैं, मानव भी था, शायद सुनील नहीं है यहाँ में आज, उपेंद्र है, जॉन को मैं जानता हूँ, विशु को मैं जानता हूँ। फेसबुक में लिखा, बुबागरा इज दिस योर थानसा? ये मेरा थानसा नहीं, ये आपका थानसा है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने बहुत कोशिश की आपको एक करने के लिए, अभी भी एक हो जाओ थानसा होगा। डोंट ट्राई टू प्ले पॉलिटिक्स विद बुबागरा, कम टूगेदर, वी विल ऑल बी वन, वन स्टूडेंट विंग, वी विल वॉक एंड वी विल टॉक फॉर आर पीपल। टीसीएफ को बोलना चाहता हूँ, रंजन बाबू, रंजन बाबू की जय हो, अबू खैर भी था, तापस बाबू, ये राज परिवार ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, और जब तक मैं हूँ कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में मणिपुरी को भी अधिकार मिले, मैं चाहता हूँ कि एडीसी में जो बंगालीज है उनको भी अधिकार मिले, और मैं अपने मुसलमान भाई को बोलना चाहता हूँ, आपने सीपीएम को वोट किया, आपने कांग्रेस को वोट किया, सीए के टाइम मैं आपके साथ खड़ा था, पानी सागर के समय जब मस्जिद जलाया गया मैं आपके साथ खड़ा था, तभी भी आपने सीपीएम को वोट किया, आपने कांग्रेस को वोट किया, जहां में उनका कोई चांस नहीं था, बागमा में कोई चांस नहीं था, लेकिन तभी भी आपने वोट किया। इलेक्शन के बाद बीजेपी के वर्कर्स ने आपको मारा है, सीपीएम का कोई लीडर आया, कांग्रेस का कोई लीडर आया, कोई नहीं। इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग से आपने टिपरा मोथा का भी नुकसान किया और अपना भी नुकसान किया। तभी भी मैं आप सबको प्यार करता हूँ, आदर करता हूँ, दुआ करता हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान एक रिलीजन के लिए नहीं बना है, एक भाषा के लिए नहीं बना है, ये हिंदुस्तान हम सब के लिए बना है। ये मेरा मैसेज टीसीएफ के लिए है, आप आगे बढ़ो, आपके लिए भी अलग से ब्लॉक बनेगा और आपको भी मैं सशक्त करूँगा। मैं चाहता हूँ कि टीसीएफ से भी हमको नेक्स्ट टाइम 2 सीट मिले। एंड फाइनली टू ऑल माई टीप्रेसर्स, मुझे थोड़ा सा मुक्ति दो, मैं थक गया, मैं बीमार हूं, माँ से मिलना चाहता हूं, परिवार बसाना चाहता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, आपके संग रहूंगा, लेकिन मुझे भी थोड़ा रिलीफ दीजिए। मैं 5.5 साल से खुद का पैसा लेकर, ये भी जो आज प्रोग्राम हुआ है सब मैंने किया, जो हर जोनल लेवल में ऑफिस बनेगा वो मैं करूँ। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप सच में, इफ़ यू लव योर बुबागरा, थोड़ा मुझे भी रिलीफ दीजिए। अगर मैं ठीक रहूँगा तो आपके लिए काम कर सकता हूँ। और हाँ मुरा, अगर मैं ठीक रहा तो आपके साथ रोड ब्लॉकेट में खुद भी बैठ सकता हूँ। I will not sell out. जिसको भी डाउट है कि मैं बिक जाऊंगा, असल में मुझे डाउट है कि वो पहले ना बिक जाए। I love all of you all. आप लोग इतने दूर से आए, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन kindly distribute it. और I would like to also apologize, Rajeshwar, if I hurt your feelings.
श्रीधाम बाबू जो नहीं है, इफ आई हर्ट हिज फीलिंग्स, मैंने फ़ोन किया था, नहीं बिजी थे वो, लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, आपको बोलना पड़ेगा, हमेशा मैं बोलता हूँ आई लव यू, आप लोग ने आज तक मुझे नहीं बोला कि यू लव मी, अभी तक सुनाई नहीं पड़ा। एंड बुबागरा लव्स ग्रेटर तिपरा लैंड। सब लोग प्लेनरी सेशन खत्म होने से पहले एक आवाज में ग्रेटर तिपरा लैंड, आयुक लोकथोंग, ग्रेटर तिपरा लैंड, ग्रेटर तिपरा लैंड, थानसा थानसा थानसा, बेलाय बेलाय नो हम्बाय खुलुंखा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस तिपरासा, गॉड ब्लेस तिपरा मथा, गॉड ब्लेस IPFT, गॉड ब्लेस एवरी तिपरासा, आई लव यू, हम्बाय।